हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब था, क्योंकि जब हम इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ते हैं तब इस वर्ड को बहुत बार मेंशन किया गया है कि इंडिया जो है वो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करता है ब्रिटिश एम्पायर से, बट ब्रिटिश एम्पायर जो है वो डोमिनियन स्टेटस देने से मना करता है। बट फाइनली डोमिनियन स्टेटस देने के लिए ब्रिटिशर्स राजी हो जाते हैं, बट उस समय तक इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये डोमिनियन स्टेटस क्या था, क्योंकि जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पर्टिकुलरली देखें तो उसके अंदर बहुत बार इस चीज़ को मेंशन किया गया है, एंड ब्रिटिशर्स ने हमेशा जो है नेगलेक्ट किया था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने से। तो ये वर्ड का क्या मतलब था उसको समझेंगे इस वीडियो में। सो डोमिनियन जो है वो एक टाइटल था जो दिया जाता था सेमी इंडिपेंडेंट पॉलिटीज का, यानी वो एरिया जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे अंडर द नेम ऑफ डोमिनियन, यानी उनको ब्रिटिश डोमिनियन का स्टेटस दिया गया था, एंड वो एक टाइप से सेमी इंडिपेंडेंट थे, मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस उनको नहीं दी गई थी, बट वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वहाँ के जो लोग थे उनको बोला गया था कि आप सरकार बना सकते हो एंड कुछ चीज़ों पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इन केस ऑफ फॉरेन रिलेशन, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन उनको अलाउ नहीं था कि वो कोई भी रूल जो है बनाए। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का उनको अथॉरिटी दिया गया था, एक्सेप्ट उनको बोला गया कि आप फॉरेन रिलेशन पे कोई जो है लॉ नहीं बनाओगे, डिफेंस से रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं बनाओगे एंड कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं बनाओगे। इन तीनों चीज़ों से रिगार्डिंग जो भी लॉज होंगे वो कौन बनाएगा, तो वो ब्रिटिश एम्पायर बनाएगा। सो डोमिनियन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा एरिया जिसको बोला गया है कि आप सारे जो लॉज हैं वो बनाओ, उनको रेगुलेट करो अपने देश के अंदर, उसको मेंटेन करो एंड कंट्रोल करो, एंड वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है वो खुद इन सारी चीज़ों को करेगी सरकार बना के। बट वो फॉरेन रिलेशन के ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकते थे, डिफेंस के रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं बना सकते थे एंड कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी लॉ नहीं बना सकते थे। तो ऐसे जो क्षेत्र थे, ऐसे जो कॉलोनीज थी जिनको ये राइट दिया गया था, उनको हम डोमिनियन कहते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ की डिमांड जो है इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कर रहे थे कि हमें भी ये स्टेटस दो, यानी हमें भी अलाउ करो कि हम अपनी सरकार जो है बनाए एंड इंटरनल जो चीज़ें हैं वो हम खुद कंट्रोल करें। ठीक है, फिर बालफोर डिक्लेरेशन होता है 1926 के अंदर, एंड वहाँ पे फिर कोशिश की जाती है कि ये जो वर्ड है डोमिनियन इसको स्पेसिफाई किया जाए, इसको डिफाइन किया जाए। तो डोमिनियन को उस समय डिफाइन किया गया एज ऑटोनोमस कम्युनिटीज विद इन ब्रिटिश एम्पायर, यानी वो जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आज़ादी तो दी जाएगी पर पूरी तरीके से वो आज़ाद नहीं रहेंगे, वो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन ही रहेंगे। एंड 1931 में हम देखते हैं जो स्टैटिट्यूट ऑफ वेस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो स्टेट्स हैं जिनको डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है उनको लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस भी मिलेगा, बट ये भी पूरी तरीके से नहीं दिया गया था, इसके ऊपर भी कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा से बना के रखती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने 1908 के आसपास से ही इंडिपेंडेंस का डिमांड जो है करना शुरू कर दिया था कि कॉलोनियल इंडिपेंडेंस हमें मिलना चाहिए, यानी हम अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, बट वो जो इंडिपेंडेंस का डिमांड था उसका ये मतलब नहीं था कि पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को हम भगा देना चाहते हैं एंड फिर हम अपना सेल्फ रूल जो है एस्टैब्लिश करेंगे। उस समय जो इंडिपेंडेंस का डिमांड था उसके मुताबिक कहा जा रहा था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सके एंड ब्रिटिश एम्पायर के अधीन ही हम रहेंगे। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर से हम अलग होने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट हमें थोड़ी सी छूट दी जाए ताकि हम यहाँ पे सरकार बनाएं एंड जो अंदरूनी चीज़ें हैं उनको हम खुद से कंट्रोल करें। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत सालों तक वो एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड जैसे कि हमने देखा कि 1908 से ही ये जो डिमांड है वो स्टार्ट हो गया था, बट 21 साल के बाद जाके ऑन 31st of October 1929 वायसराय जो होते हैं लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया कि जो गोल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस का इंडिया में, वो उनका जो अल्टीमेट गोल है वो है कॉलोनियल इंडिपेंडेंस। बट यहाँ पे भी कॉलोनियल इंडिपेंडेंस जो है उसको सही रूप से डिफाइन नहीं किया गया था कि ये किस टाइप का इंडिपेंडेंस जो है, किस टाइप की आज़ादी जो है वो चाहते हैं। इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि
ये जो इंडिपेंडेंस वर्ड था इसको सही रूप से डिफाइन नहीं किया गया, एंड उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तब वहाँ पे पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन जो है कर दिया जाता है, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कहती है कि हमारा अब मेन जो एजेंडा है, मेन जो गोल है, टारगेट है, वो है पूर्ण स्वराज। एंड उसी के फलस्वरूप 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाया गया, एंड इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि 26 जनवरी को आज के टाइम पे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के पीछे जो डेट सेलेक्ट किया गया, यानी हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया था, उसको हमने लॉन्च कब किया, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को हमने क्यों वो डेट डिसाइड किया था, क्योंकि 26 जनवरी को पहले हमने पूर्ण स्वराज दिवस जो है मना लिया था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो हमने अपने आप को दे दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। उसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतीय संविधान है वो पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग डोमिनियन स्टेटस, उसको हम थोड़ा सा और देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो कोई भी एक यूनिवर्सिटी रहती है, उसके तहत बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते एक यूनिवर्सिटी के तहत 4 कॉलेज हैं। ओके, ये जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ये अपनी फीस देंगे, यहाँ पे इनका सारा जो पढ़ाई है वो चलेगा, टाइम टेबल सेट होगा, स्पोर्ट्स कब होगा, इवेंट्स कब होंगे, ये जो कॉलेजेस हैं ये खुद मैनेज करेंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअली जितने भी कॉलेजेस हैं ये इन सारी चीज़ों को खुद मैनेज करेंगे। बट सिलेबस के अंदर क्या चेंज होना है, कब यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उन सब चीज़ों से रिगार्डिंग जो फाइनल डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका राइट जो है कॉलेज को दिया गया है, कॉलेज को बोला गया है कि आप खुद इन सारी चीज़ों को मैनेज करो एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। तो यहाँ पे फ्यू थिंग्स क्या है, तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी के जो चीज़ें हैं उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस लाने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, या फिर सिलेबस चेंज करना है, उससे रिगार्डिंग अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा, तो यूनिवर्सिटी का होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी को हम ब्रिटिश एम्पायर जो है वो मान सकते हैं, एंड ये जो कॉलेजेस हैं उनको हम क्या मान सकते हैं, तो ये कॉलोनीज थी ब्रिटिश एम्पायर की। तो कॉलोनीज को, कुछ जो कॉलोनीज थी उनको ये हक दिया गया था कि आप इंटरनल चीज़ों के लिए खुद जो है सरकार बनाओ, एंड उनसे रिगार्डिंग जो है जो चीज़ें चाहिए आपको, आप लॉ जो है लगाओ, बनाओ एंड इम्प्लीमेंट करो, बट अल्टीमेट अथॉरिटी हमारी रहेगी एंड आप हमारे अधीन रहोगे। तो ये मतलब था डोमिनियन स्टेटस का, एंड उसी स्टेटस का डिमांड जो है पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के सामने रखा था, बट ब्रिटिशर्स ने उसको देने से मना किया था, एंड फाइनली जब ब्रिटिशर्स ने दिया डोमिनियन स्टेटस का ऑफर खुद से, तब तक हमने बोल दिया कि आप पुराने ख्यालों में जी रहे हो, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। सो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा, डोमिनियन स्टेटस का मतलब पता चल गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।